करिमंगल करियूं महा ग्रंथ को का जाते मिले समाज सौ पावे निज पद राज श्रीमत परम गंभीरम सियादवादे अमुग लाछिनम जे हाथ लोकनाथ शासनम जिन शासन देवादी देवादिनाथ भगवान की जय अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय अष्टानिका महापर्व की जैन पुराणों की मंगल में गाथा गाते हैं महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं अर्षनापुर महानगर भगवान शांति कुंतरनाथ की मांगलिक जन्म तप ज्ञान आति चार चार कल्याण को शिश्य शोभित वहाँ पर भूभोग राजा राज्य करते थे उसी नगर में सोमिल सोम शर्मा क्या नाम था कल नाम ही भूल गए सोम शर्मा था सोमदत्त एक ब्राह्मण थे उनकी रानी का नाम उनकी ब्राह्मणी का नाम सोमिल्या था उनके यहां एक पुत्री ने जन्म लिया था सोमा पचपन में मां का वियोग हो गया पिता को धर्म का योग बन गया और धर्म साधना करने लगे लेकिन युवा अवस्था में पिता का भी वियोग हो गया और भाई सोमा एक धर्मात्मा सेठ गुणपाल के यहां पर उनका लालन पालन हो रहा श्रेष्ठी बड़े धर्मात्मा थे और उनको अति था उस पुत्री के साथ में उन्होंने विचार किया किस बेटी को मैं किसी योग्य ब्राह्मण कुल में जो जैन धर्म को पालता होगा उसको ही दूंगा लेकिन एक वसनीय ब्राह्मण जिसने कि ऊपर से रूप जैनिका बना लिया था और धनी की क्रिया करने लगा धर्म की बातें करने लगा ऊपर से पहचान करके सेठ ने विचार किया ये बहुत अच्छा धर्मात्मा तो भव्य धर्म की कुछ क्रियाओं को देख करके मत रीत जाना कुछ औषम्य ज्ञान को देख करके तू धर्मात्मा मत समझ लेना धर्म का लक्षण क्षमा है विनय है सरलता है ये धर्म के लक्षण जानना सदृष्टि ज्ञान वृत्ता धर्मम क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र ये धर्म के लक्षण है भाई तो धर्म के मूल लक्षणों को मूल अंगों को पहचानना पंडित जी कहते हैं जब ये धर्म के लक्षण है तो धर्मात्मा के लक्षण भी वेयी होंगे जो मानी होगा जो सरल नहीं होगा जो लोभी होगा वो धर्मात्मा कैसे होगा तो भाई क्रियाओं को देख करके उस रोदत्त के साथ में सेठने वाले उल्लास के साथ में विवाह कर दिया कल कल यहां तक कथा अभी नहीं हुई थी के हो गई थी क्यों भाई मैं तो विस्मरण हो गया मेरा तो थोड़ा सा यहाँ तक हो गई थी ना हाँ है? नहीं हुई थी अच्छा 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 तब उसने कहा था कि क्या उत्तर दूंगा साहब अः कि तुम्हारा आगे का क्या विचार है तो विचार तो उसने बता दिया था तब फिर सेठ ने पूछा कि तुम्हारा क्या विकल्प है अरे सेठ जी और नाना प्रकार से उसने रजाने वाली बातें करी सेठ बोले सुनो तुम कहते हो कि वो बदल जाएगी अरे भाई मेरी बेटी तुल्य है धर्मात्मा है मेरी बेटी है और तुम्हारे कुल की है और उसका नाम सोमा है अब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ ये बस अगर तुम्हारा परिणाम मेरी पुत्री के प्रति अरे सेठ जी मैं तो दारिद्र हूँ कि तुम दारिद्रता की चिंता नहीं करो और वो तो अंदर तो अभिप्राय तो आपको पता ही है तो तत्काल उसने यहाँ पाड़ी सेठ ने खूब धन दिया और सोमा का विवाह कर दिया सृष्टि ने बहुधन दिया पृथक ने बड़ा विशाल मैन बनवाया उस मेल सोमा के लिए उसको रोदत्त के लिए दे दिया धन स्वयं एक कहा से आ गया जान उत्तम श्रावक गुणपाल प्रसन्न हुआ याचना पूर्वक सोमा सो उसका विवाह किया जब विवाह किया है और जाकर के उसने देखा उस घर में तो पहले महल में जाने के पहले उसके पिता ग्रह में जो प्रवेश हुआ उसका तो वहां देखा तो वहां तो अन्नमतियों के वो पड़े और भीतर जाकर के देखा तो कुछ उल्टा सीधा वे चीजें पड़ी जब महल में पहुंची सोमा तो बड़ा दुख हुआ कि वहां तो मदरा जैसे चिन्ह भी पड़े थे वहां तो उल्टी सीधी चीजें पड़ी थी नाथ ये तुम्हारे कुल में ऐसा कौन है जिसका हीन इतना हीन आचरण है जिसकी जिसकी मजरा आदि का भी सेवन चलता हो तो तब जैसी वह पहुंचा और सोमा ने बार बार कहा तो भाई कहने लगा सुन, वो दूसरों नहीं है वो कौन है भाई मैं ही हूं नाथ, सुनने में आया था कि बहुत दिन पहले आपकी स्थितियां ऐसी रही है वो समय की अभी तक कैसे रह गई ये अभी तक रह नहीं गई अभी तक चल रही है चल रही है कि हां जो तुझे रूप दिखाई देता है ये रूप मेरा साचा नहीं है मेरा साचा रूप तो वो ही है और सुन मैं जैन धर्मी भी नहीं हूं मैं तो अन्य धर्मी हूं बेधर्मी हूं और मुझे धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है हाँ इतना जरूर है कि तेरे धर्म को नष्ट करूंगा पहला मेरी शर्त थी कि तुझसे विवाह करूँगा तो मैंने कर लिया अब तेरे धर्म को नष्ट करूंगा बोल यदि तुझे मेरा योग पसंद है तो तू जैन धर्म को छोड़ दे तब सोमा बोली है कि प्राण चले जाएंगे तो भी हम जैन शासन को छोड़ने वाले नहीं हैं पर दूत छो यदि तू जैन धर्म को नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और ऐसी जगह जाऊंगा जहां तेरा हृदय तड़पता रहेगा बोले हे स्वामी अगर ये हम धर्म को छोड़ेंगे तो जरूर हम तड़पेंगे परंतु यदि हमने धर्म नहीं छोड़ा तो हमें कोई तड़पाने वाला नहीं है जो धर्म छोड़ दिया करते हैं उनको सुख शांति छोड़ देती है उनका सर्वस्व चला जाता है जीवन की प्रसन्नताएं नष्ट हो जाया करती हैं जो धर्म को छोड़ देती हैं धर्म को तूने छोड़ा तो तेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा उसने उस दिन तो अनेक अनेक धमकियां दी और दूसरे दिन से तो भोजन जब सोमा बना रही हैं, उस भोजन में भी अवक्ष वस्तुएं लाकर के डाल दे भूखी रह जाए मार लगाता और सोमा को छोड़कर के वैश्या के यहां चला गया कौन बोलो पर दूजे दिनी वैश्या विसन में उसे रक्त दिखाते हैं महासती सोमा की मंगल कथा सुनाते हैं हाँ काम लता वैस्या पुत्री वसुमित्रा की बाई उसके घर रह कर वो सारा धन वै करता बाई देखे सोमा उदय का विचार कर समता दारती है महासती सो माँ की मंगली। मंगल कामलता वेश्या कामलता नाम की वैश्या जो कि उसकी मां का नाम वसुमित्रा था उस कामलता के साथ में वह पापों में प्रवर्तने लगा सेठ ने इतना सारा धन दिया था वह धन काय में जा रहा है वसनों में जा रहा है पापों में जा रहा है और इधर आता और सोमा को मारे लगाता सोमा सब सहन कर लेती लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा करती थी यहां तक कि गुणपाल सेठ को भी उसका पता नहीं चला हे भव्य कर्मों की उदय की साक्षी मत देना उदय के साक्षी रहना क्या साक्षियां मत देना हम ऐसे हैं हमें ऐसे, है, हमें ऐसे है, ही उदय ऐसा है उदय की शिकायत मत करना कर्म की उदय की शिकायत उदय के सामने रोने मत बैठना पिता के दिए हुए संस्कार दुखी तो होती सोमा लेकिन अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लिया करती थी जब पिता की वचन याद आया करते थे मोती समय अश्रू है बहने नहीं इनको देना बाके बेटा, जिन शासन नहीं लाना आंसू कैसे होते हैं मोती जैसे देखे हैं कोई ने देखना जब रो तब दर्पण में जाकर के कभी रोने का मन हो ना तो देखना गोला गोला आते हैं हाँ मोती समय अश्रु है बहने नहीं इनको देना बाक इनको बेटा जिन शासन नहीं लजाना कायरता कभी न लाना साहेसी तुझे तो है होना कैसी भी आए भूल गए कैसी भी आए विपत्ति बिटिया बेटा निज धैर्य खोना प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना कैसी विपत्ति आती रहे हैं देव साहित्य गुरु को पाकर जो अश्रुव बहाये बे अपने प्रभु का नाम इस लोक काई ल जाए जैसा गुरु को पाया का है? तुम्हारे देव है है गुरु और महासदी सती सोमा और महासती अनंतमती और ऐसे ऐसे कष्ट वे वो तुम्हारे जैन धर्म में ही वाए थे हाँ हमारे जैन धर्म में ही वाए थे बोलो अगर वन रोते जाए और कायरता दिखाते जाए अरे हमको कायर नहीं हो ना है हम तो वीर बनेंगे है महावीर बनेंगे है हम भगवान महावीर के शिष्य हैं हम कभी इन कर्मों के सामने रोने वाले नहीं है कर्म रो रो के चले जाएंगे हमें रोनाने वाले नहीं एक कर्मों को भगाएंगे हम मांगने वाले नहीं है ना ना वो माल लगा रहा है वो सब कर रहा है यत्न लेकिन सोमा सब प्रसन्नता से सह लेती थी सोचती थी वो आत्मन जो कर्म बांधी है सो उदय में आए हैं इसमें किसी का भी दोष नहीं है दूसरों को दोष देना तो योग्य है, है नहीं चाहे हमारे प्राण भी चले जाए लेकिन हम परम पूज्य जैन शासन को छोड़ने वाले नहीं हैं और बहुत दिन तक मार पड़ती रही सब कुछ होता रहा लेकिन जय वो जो जिन सौ माने कभी भी कोई विकल्प भी नहीं किया जिन मंदिर जाती शांति से अपनी चर्या होती और करके अपने परमात्मा का नाम लेती और अपना वस्तु स्वरूप का विचार करती हुई उस स्थिति में प्रसन्नता थी करम उदय तुम्हें जस्ती रुलाने वाला नहीं है दुखी करने वाला नहीं है अरे कर्म क्या करेगा भाई उदय उदय में चलेगा हम तो उदयातीत रहेंगे कर्म कर्म में चलेंगे हम कर्मों से बाहर चलेंगे कर्म की चाल हम नहीं चलेंगे ना स्थितियाँ बनती रहीं लेकिन सोमा के अंदर तो एक ही भावना चला करती थी हैं जिन्दरम तेरसम जामरम तेरी रक्षाम प्राण विता जु देंगेम अमरहे नरह सिका को चे तेरा नामे तु आमर कर इसे तनी की चिंता हमें को नहीं पर धर्म में छूटे प्रभु जी नहीं निज धर्म के खातिर तेरे इस तनि को हंसते हुए हम तजे देंगे हम जिंदरम जिंदरम तेरा रक्षा में प्राण राण गुणपाल सेठ बहुत दिन हो गए एक दिवस था जब गुणपाल सृष्टि सोमा के महल से निकल रहे थे वहां वो चीखे सुनाई दे रहा था वो चिल्ला रहा था मार लगा रहा था सोमा को बर्तनों को फेंक रहा था वे मजरा का सेवन करके आया था बहुत सारे पैसे निकाल लिए वो कह रही थी आप क्या करते हो एक धर्मात्मा के धन को ऐसे पापों में लगा रहे हो इतना कहा कि उसने मार लगाना शुरू कर समता से रहे आवाज बस एक तरफ आ रही थी सेठ जब निकले हैं ना दूसरी तरफ की कोई बस किसकी आवाज आ रही थी रोद दत्त की और यदि कोई आवाजें आई तो कुछ फेंकने की आवाज आई कुछ मार जैसी आवाज आई सेठ ने गौर से सुना ये मेरी बेटी का घर है ये तो यहां जी क्या हो रहा है जैसी थोड़ी देर बाद मार पीट करके बोरो निकला दामा जी ये आवाज अंदर कैसी आ रही थी क्या अंदर की आवाज आज तक तुमको पता नहीं चली तुमको सब पता है मुझे मुझे झूठ नहीं बोलो उसको तो पता भी नहीं कि इसने ये सारा तक गुणपाल के पास नहीं किया है तो इ, क्यों कर रहा था कौन कर रहा था सेठ वो सेठ जी और वो तो सब खत्म ही है नहीं? और मैं मेरा तो भाव ही नहीं है वो, वो कल कितने अच्छे अच्छे वचन बोल रहा था भैया मात्र भाई, तो भाई बचनों से ही प्रभावित मत हो जाना सेठ तुझे पता है मैं कोई जैन धर्मी नहीं हूं मैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है? चलो आप ही बोलो एक साथ कुछ ये बता दो बराबर हो ही नहीं सूचना हाँ तो जैसे ही कहा भाई थोड़ी व्यवस्था पहले ही कोशिश किया करो कि जिससे बीच में अंतराय ना पड़े अपना जो भी हो। क्या ये आपके द्वारा किया गया कार्य है क्या आप ये मार लगा रही थी कि यहां सेठ मैं बेसनी हूं मेरा रूप बोई है वो तुम पहचान नहीं पाए तुम्हारी बेटी का अहंकार दूर हुआ बताने के लिए उसको नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी जिन धर्मी थी ना उसके लिए मैंने ये रूप धारण किया था और इतना कह करके चिल्लाता हुआ वो तो निकल जाता है सेठ ने बड़ा दुखी हुआ अरे रे ये तो बहुत बुरा हुआ क्यों मैंने उस ब्राह्मण को जाते जाते में क्या वचन दिया था कि आप चिंता मत करना सोमा के पास पहुंचते हैं बेटा तू ऐसे कष्ट में जीवन जी दी रही है तेरी शारीरिक काया ऐसी हो गई और तूने मुझको पता ही नहीं चलने दिया हे पिताजी आपने मेरे साथ महा उपकार मैं आपको कष्ट देकर के क्या करूं मेरे कर्म मेरा सहयोग कर रहे हैं मुझे संसार की असारता खूब अच्छे से दिखा रहे हैं अरे पहले अनितता का रूप दिखाया मुझे माता का वियोग हो गया पिता का वियोग हो गया मुझे समझ में आ रहा है कि संसार में सार तो नहीं है तो भी न जाने ये राग कहां रुका हुआ है तात, so, वैराग स्वांग नहीं है ये तो स्वरूप है मैं अपने राग का दंड भुगत रही हूं आपका इसमें कुछ भी दोष नहीं है नहीं बेटी तूने बहुत कष्ट से लिया अब मैं तुझे यहां नहीं रहने दूंगा वो पापी आता है बार बार मैं तुझे यहां पर निवास नहीं करने दूंगा तू चल मेरे घर के ना पिताजी अब वहां से निकले आई अब तो इन घरों से जब निकलेंगे जब हम पीछे का मंडल लेकर के निकलेंगे इतनी ताकतें अभी आई नहीं है बेटा तेरा धर्म का पालन भी तो नहीं हो पाता है अतः मैं इस धन को क्या रखूंगा बेटा मैं जी नहीं पाऊंगा जो स्थिति तुम्हारे पिता की वही वही स्थिति मेरी बन जाएगी यदि तू महाकष्ट के साथ में रहेगी इसको जो दिखाए थे करने दे तू इस स्थान को ही छोड़ चल मैं मुझे इसके साथ वो नहीं करना है और जबरदस्ती सेठ ने कहा तो फिर बहुत सारा धन देने लगे मुझे कुछ धन नहीं चाहिए मुझे तो एक छोटा सा स्थान चाहिए परंतु एक जिन मंदिर चाहिए जहाँ पर मैं अपनी आराधना और साधना करती रहूँ तब तो सेठ जी ने बड़ा सोमा के कहने से जो धन था वो विशाल जिन मंदिर बनवाया क्या किया हाँ बोले बेटी अब मैं तुझे तो प्रसन्नता देना चाहता हूँ तो खूब आराधना कर सोमा ने तो कहा मैं छोटो सो चैत्यालय चाहिए आज की भाषा कहे और सेठ जी ने तो विशाल जिनाल है। और बड़े उल्लास के साथ में उनका मन ये था कि पुत्री का ये उल्लास के साथ में उसका मन भी बहुत अच्छा हो जाएगा इस धर्म कार्यों में तो क्या किया प्रतिष्ठा काली में पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं होने लगी काय की मंदिर विशाल बन गया तुम्हारा तो बन रहा तो तीन मिनट में ही बन गया <laughs> अरे जहां पर लगाने वाले बैठे हो इंद्र जैसे उनको का विकल्प लगाए लग रहा है और बड़ा विशाल मंदिर बन गया और अंतिम दिन था पंचकल्याण पूरा प्रतिष्ठा के साथ में और अंतिम जब दिन आया है तो अंतिम दिन आया तो बोले आज पूरे नगर में ये प्रभावना होना चाहिए तो उस नगर की सर्वो एक व्यक्ति ना बचे उसकी प्रभावना के लिए सेठ ने राजा के लिए आमंत्रण दिलाया और राजा से कहा कि महाराज आज हमारे इस महा धर्म के कार्य में पूरी प्रजा के लोग आए तो राजा ने कह दिया कि धर्म का उत्तम कार्य सेठ करा रहे हैं सभी को पर उपस्थित होना है और किसी को अपने घरों पर क्या नहीं बनाना है अब रात्रि का टाइम है मैं नहीं कहूँ हाँ वहाँ पूरे नगर को आमंत्रण दिलाया तो सबके साथ में वो बसु मित्रा भी आई बैस्या और उसकी पुत्री भी आई कामलता और जब राज दंड था तो रोद भी आया अवरोध दताया आया तो वो तो अपना भोजन क्या किया वो तो भाग गया अब वो वसुमित्रा और कामलता को विकल्प आया कि मैं देखूं तो सही है कौन है जिसके लिए छोड़ करके ये मेरे घर में रहता है और रात दिन धन लाता है मेरे घर में तो होगी कोई वैसी तो जा करके जैसी देखा वसुमित्रा उसकी पुत्री काम लता आई देख सोमा को जो सोमा को देखा हा क्या पवित्र जीवन सर्वांग सुंदर वो कहने लगी वसुमित्रा कि मेरी पुत्री तो इसके सामने कुछ भी नहीं है और ये कैसा मूड है कि ऐसे इस, इस अपनी पत्नी को छोड़ कर के धर्मपरायण वो मेरे घर में रह रहा है और अपने घर का पूरा पैसा भी मेरे घर बर्बाद कर रहा है ऐसा और भी कोई कहता होगा कि वो वैसे ही कह रही क्यों ऐसा यहां तो कोई नहीं है जिसके घर सर्वांग सुंदर स्त्री हो और वो दूसरे के घर में रहे और वहां ऐसे कार्य करे जो आश्चर्य उस वेश्या को हुआ था वह आश्चर्य ज्ञानियों को होता है ज्ञानमयी सुखमयी प्रभुतामयी सर्वांग सुंदर चैतन्य को छोड़ करके ये क्या ये पर्यायों में रमता हुआ नजर आता है कैसा मूड है और नजर ही नहीं आता है अपने घर का पूरा पैसा भी बर्बाद करता है तो तेरे घर पर कौन सा पैसा है वो जो उपयोग रूपी धन है वो इसे विष्णों में इन पापों में इस काया में देता है और आचार्य परमात्मा ऐसा कहते हैं सबको सब दे देना उपयोग किसी को मत देना समाधि तंत्र का है भाई सा विकास आचार्य भगवान ने ये कहा है धन दे देना सब दे देना पर उपयोग किसी को मत देना अर्थात किसी के कारण से अपने उपयोग को विकृत नहीं होने देना कि अगर तुमने उसको विकृत कर दिया तो आत्मा भावना कहां भाओगी उसको संभाल करके रखना और देख करके उसको एक विकल्प तो ये आया और दूसरा विकल्प ये आ गया क्या आ गया कि ऐसा ना हो कि आज तो ठीक आज तो स्थिति ठीक है ये जा रहा है ले जा रहा है और कई इसको रूप देखा और इसने मेरा घर छोड़ दिया तो मेरी तो पूरी जीव ही चली जाएगी तो तत्नी उसको क्या विकल्प आया कि कैसे भी करके इसको मरवा दूं किसको सोमा को दे के सोमा को मारने का भाव वसुमित्रा और लाई उसके इसके रूप के आगे मेरी पुत्री कुछ ना वर तेरे महा सती सोमा की मंगल इस एक घड़े में उसके लिए तच्छण लेकर के गई तो स सोमा से मिल रहे थे नगरवासी सेठ से मिल रहे थे और एक घड़े में इधर इसने चरचाल चली है और एक घड़े में एक सपेरे से सर्प लिया उसने सर्प लिया और उसके लिए उस वैश्य ने कहा कि ऐसा सर्प रख के लाना इस घड़े के अंदर कि जिसको खाते ही नियम से मरण हो जाए और बचे ना कोई उतार ना पाए तो ऐसा भयंकर जहरीला सर्प और करोड़ों मोरे दे करके उस सपेरे से तत्काल में वो एक घड़े में रख के लाई घड़े भी चमकता हुआ सोने का बढ़िया सजा हुआ चारों तरफ था और उसको लेकर के बे चलिए सोमा की तरफ गड़ा बड़ा चमक रहा था उसके अंदर कौन था बोलो वो नाग था वो नाग खरीद के लाई है और नाग खरीद के लाई और वो सुनो तो सही लाई है नाग खरीद करके और क्या देखे लाई है बोलो मोरे मतलब पैसे दे करके लाइए तो ऐसा कोई है कि जो नाग भी खरीद के लाता हो और पैसा भी देता हो होगा कोई अभी इस काल में होगा कि नहीं होगा नहीं शांति से बैठ जाते हैं कह तो नहीं है ना ऐसा को मूड होगा कि एक तो नाग खरीद के लाएगा और और भीतर तो नाग होगा ऊपर चमक होगी वाके ऐसा कुछ है तो ये कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा थोड़ा सा दिल्ली में का जगह मैंने तो देखा है हाँ भैया जो पूरी पाश्चात्य संस्कृति तुम्हें चमक चमक वाली दिखाई देती है ना ऊपर से चमक रही है भीतर नाग है जितना भी आज को जो दुनिया दिखाई दे रही है ये एक तो नाग खरीद के लाते हो और पैसा दे कर के लाते हो बढ़िया एक लाख का पांच लाख का मोबाइल लेकर के आए जो पांच और दस लाख के मोबाइल लेकर के आ रहे हैं भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्रवचन सुनने ला रहे होंगे उनमें तो बिरले होंगे कि दस लाख का मोबाइल लेके आए पांच लाख का एक लाख का डेढ़ लाख का दो लाख का बड़ा बड़ा महंगा महंगा मोबाइल लेकर के आ रहे हैं काय के लिए कि साहब मुझे तो गुरुदेश्वरी की सीढ़ी सुनना है मुझे नहीं लगता है इसलिए मेरे साहब ने प्रश्न बस रखना सबसे पहला जब वो पंडित जी वो प्रवचन हाँ प्रवचन का नियम ले लो हम नहीं कहेंगे तुमसे लेकिन वो ले के आ रहे हैं ये पूरा खरीद कर ला रहे हैं ऊपर ऊपर की चमक रहती है लेकिन भीतर ना गया ध्यान रखना लिख करके ना गाइए और अकेले में बोले मुझे मिलना है सेठ बोला ये तो वो ही लगती है वैसे सेठ जी बहुत पाप कर लिए आज मैं तुम्हारी बेटी से मिलना है सब का आना जाना हो रहा है सोमा से कहते हैं वो एक वैश्या आपसे मिलना चाहती है भाई कह रही है कि मैंने यहाँ का धर्म का कार्य देखा तो मेरे अंदर बड़े परिवर्तन के परिणाम आ रहे हैं तो सोमा को लगा हो सकता कोई हो तो जा करके देखा तो पता चला कि कौन है कि मैं काम लता ये मैं बसु मित्रा ओ हो हो ये नाम तो सुन रखे हैं क्योंकि पता है कि रोदत्त कहाँ जाता था आ? तब भाई कहने लगी खरे तुम्हारी जैसी धर्मात्मा गुणवान शीलवान सर्वांग सुंदर स्त्री को छोड़कर भाई मेरे यहाँ जाता ये बड़े आश्चर्य की है आज हमने ये प्रतिज्ञा ही ले ली ये धर्म के कार्य को देख इतने अच्छे परिणाम भाई कि हम शील धर्म धारण करना शील धर्म धारण करना चाहते हैं उसका कुछ भाव है हमारा हम ये चाह रहे थे कि कुछ किसी धर्मात्मा के चरणों में जाकर कुछ भेंट धर धरे तो इसमें मैं आपके लिए एक हार लेकर के आया अरे हार अमेरिका हमारे का, का प्रयोजन का नहीं नहीं बहन तुम तो एक काम करो जे हार स्वीकार कर लो तो हमें ये लगेगा कि हम पापी तर गए और हम आशी व्यसनों का त्याग करके जिन धर्म को अंगीकार कर रहे हैं अगर आप इसको स्वीकार करो सुम बोले ये सारी दुनिया हमने छोड़ दी है अगर तुम जिन धर्मियों हो हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं तो बस इतना कर दो कुछ नहीं कर पा रहे हो ना तुम मत लो उसने सोची मेरी तो फेलो हार तो ले नहीं रहे नाक तो लेगी नहीं हार तो तो को छू लो बस क्या कर लो छू लो एक बार अपने हाथ में मात्र ले लो मैं समझूंगी बस मेरी बेटी को ही दे देना भले तुम मैं ये समझूंगी कि मुझ पाप नी के पाप तर गए हैं बस इतना सा ले लो और इसके बाद में हम तो बस सोमा को लगा हो सकता है इसका कोई परिवर्तन होने वाला हो चलो कोई बात नहीं इतनी जिद कर रही है तो उठाया उन्होंने क्या किया और उसने सामने रखा बोले जीव कहा जाने एक गड़े में सरपुर सोमा के निकट लाई ये बैट स्वीकारो हमारी हम भागी न दुखदाई बापिस कहा तो बोला तुम्हारा ईश्वर सही चाहिए हैं सती सोमा की मंगल जब वापस करने लगे तो सोमा से कहती है कि बस इस आपका स्पर्श चाहिए सोमा ने उस भावना को पहचान ना पाया और लेकर के हाथ डालने के लिए उद्दत होती है जो हाथ डालने जा रही है आज अंतिम दिन था प्रतिष्ठा का पूरा कार्य हो चुका था श्री जी विराजमान हो गए थे और बस ये अंतिम चल रहा था सोमा सोच रही थी बड़े आनंद के साथ अब आराधना करेंगे लेकिन फिर सामने संकट खड़ा हो गया और ज्यो ही बोस गड़े में हाथ डालने जा रही थी उसी समय नल दमयंती नाटक का समय हो गया मैं क्या करूँगा सोच रहा था आज घंटे अब थोड़ी सी कथा है कल इसको पूरा करके दूसरी कथा प्रारंभ करूंगा हाथ डालने पर पूरा वायुमंडल हिलेगा कौन हिलने वाला है कौन नाग का हार करेगा और इस नाग के हार में भी कोई एक अद्भुतता आने वाली है राजा के दरबार में पहुंचेंगी, फिर दीक्षाएं लेंगी तो थोड़ा समय तो इस कथा में लगेगा शेष कथा की वाचना अपन आगे करेंगे अभी बच्चों का कार्यक्रम होना है माँ सती सोमा की मंगल